बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो ने एक बार फिर से हेमंत सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य की जो हेमंत सरकार है वो भ्रष्टाचारी में लगी हुई है, लूट और खसोट की सरकार है। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार एजेंट रखकर राज्य के प्राकृतिक खनिज संपदाओं को लूट रही है। बाघमारा के बीजेपी कार्यालय में ढुल्लू महतो ने एक बार फिर से राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया और जमकर बरसते हुए हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसमें एजेंट रखकर प्राकृतिक खनिज संपदाओं को लूटने की जो बात है वो सबसे अहम बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी जो है, भाजपा जो है, वो बैठक के बाद कई और ऐसी रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है जिसके जरिए राज्य की हेमंत सरकार को एक बार फिर से ढुल्लू महतो के नेतृत्व में उनसे चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ढुल्लू महतो ने हेमंत सरकार पर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। धनबाद का जो स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरे राज्य में सरकार के नेतृत्व में लूट मचा हुआ है, इस बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अपने अपने सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, आरजेडी के द्वारा अपने अपने एजेंट को रखकर पूरे राज्य को लूटने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज स्थिति आदिवासी, दलित, गरीब, दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसाय, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, भूजा बेचने वाले लोगों के साथ किस तरह से अन्याय, अत्याचार हो रहा है, इन बातों को, कतरास के स्थिति को देखते हुए दर्शा रहा है। हम कह सकते हैं कि आज पूरे धनबाद में, खास करके कोयलांचल में, जिस तरह से कोयला का लूट मचा हुआ है, अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, गरीब, दलितों का जान गया, इन बातों से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने लगातार सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को और सच्चाई को विस्तार रूप से रखने का काम किया। सरकार में हिम्मत नहीं है कि मेरी बातों को किसी एजेंसी से जांच करवा ले। सरकार करवा रही है, इसके लिए बैकफुट में आ रही है सरकार, सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। आदिवासी की बात करने वाले आदिवासी को मरवा रहे हैं अवैध माइनिंग के दौरान, दब दब कर यहाँ के लोग, सैकड़ों सैकड़ों लोग एक एक दिन में एक एक जगह पर मर रहा है, वो आदिवासी की बात क्यों करेंगे? जल जंगल जमीन का बात करने वाले आज पूरे बालू लूट, कोयला लूट, लोहा लूट, अबरक लूट, सारे जगह तो लूट मचा हुआ है। सरकार नाम का कोई चीज़ है क्या? सरकार नाम का चीज़ रहता तो दो तीन ऐसे आईएएस आईपीएस लोग जेल में जाते। आने वाला समय जिस प्रकार की स्थिति है, फिर लोग जेल जाएंगे, गलत करेंगे, चोरी करेंगे, झारखंड को लूटेंगे और बोलेगा कि बीजेपी करवा रहा है। आज आदिवासी यहाँ पे अवैध माइनिंग के दौरान दब के मर रहा है, उस पर कार्रवाई होगा तो बीजेपी करवा रहा है। आज यहाँ पे खास करके धनबाद बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में जो आज हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों के साथ जो बरसों से 100 बरस 40 बरस 50 बरस से जो लोग रह रहे हैं उनके दुकान को तोड़ा जा रहा है। आज यहाँ गरीब पर ध्यान है, हजारों ट्रक कोयला पार हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है। एक सब्जी बेचने वाला, एक भूंजा बेचने वाला, फल बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, कपड़ा बेचने वाला, छोटे छोटे व्यापारी, फेरी वाले लोग पे गुपचुप लगाने वाला, मतलब वैसे दुकानदारों पर निगाह। यहाँ पे बड़े बड़े बात वादा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गरीब और आदिवासी दलित का बात करने वाले अभी गरीब का कहाँ पे चला गया? बस आने वाला समय इसका इंतजार राज्य की जनता कर रही है, बहुत मुंहतोड़ जवाब देगा। निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में, और ये गरीब विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, छोटे छोटे दुकानदार व्यवसाय विरोधी सरकार है, इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसका आंदोलन भारतीय जनता पार्टी हम लोग निर्णय ले रहे हैं, इसका रणनीति बना रहे हैं, इसका घोर विरोध करेंगे और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक जिस प्रकार से कोयला चोरी, बालू चोरी, माफिया के खिलाफ, क्रिमिनल क्राइम के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। इस जो अभी दुकान का सम्मानित हमारे पार्टी के नेतागण भेजे हुए हैं, आज प्रेस सम्मेलन का करने का निर्णय लिया है। प्रेस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के गठबंधन सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से झारखंड सहित पूरे धनबाद कतरास में गरीब, दलित, आदिवासी व्यवसाय, छोटे छोटे दुकानदार, ठेला वाला, भूंजा वाला आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, जो कि आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि लगातार धनबाद में हत्या पर हत्या होते जा रहा है। सरकार उसे क्रिमिनल क्राइम पर कभी कंट्रोल करने का काम नहीं किया। जो कोई आवाज उठाता है उसे लोगों पर
काम किया जा रहा है, झांसी की दीवानी का काम किया जा रहा है। जो सरकार जो बनी है झांसी मुक्ति मोर्चा से अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, ये बात कोई नई बात नहीं। दुकान को उजाड़ने का, दुकान को ये करने का निर्णय आया था, मगर हम लोगों ने सरकार से बात की, यहाँ के कोई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा गलत रिपोर्ट, और आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से देखें दुकान को उजाड़ा गया है, ये घोर अन्याय है। और हमने पहले भी देखे, विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, जेएमएम के सांसद हुआ करते थे, उस समय भी दुकान को कभी, जैसे भाजपा की सरकार जाने के बाद इस तरह से स्थिति आज बना हुआ है, ये हम सबों के सामने है। मैं वैसे बंधुओं से भी आग्रह करना चाहेंगे जो चाहे, वेलकम टू चाचा मामा दंगल, हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठाना। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।